हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईगे में। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने चाहिए, कौन से कम पढ़ने चाहिए, या पिछले कुछ गत वर्षों का कितना कवरेज कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना रहा है, तो उसी के मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके यहाँ पर। और लगभग ये 114 परीक्षाएँ का एनालिसिस है लगभग पिछले 10 सालों का, और उन्हीं के आधार पर ये डेटा आपके सामने है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ने चाहिए और कितने रिपीट क्वेश्चन आप लोगों के वहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो विधि शास्त्र में देख लें हम। ठीक है, तो कम से कम 383 क्वेश्चन वहाँ पर बने, अंतर्राष्ट्रीय संगठन 284, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण जो होते हैं इंटरनेशनल अफेयर वो 86, और सबसे ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 1045 क्वेश्चन आए, और संपत्ति अंतरण अधिनियम 447, और एविडेंस एक्ट से हमारे 778, आईपीसी से सबसे ज़्यादा आईपीसी के क्वेश्चन आए, सबसे ज़्यादा आईपीसी आती है। ये सब मेजर सब्जेक्ट हैं, ये टॉप 10 मेजर सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें 1094 क्वेश्चन आए, और सिविल प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के आपने 626, और दंड प्रक्रिया का ये आए 789। ठीक है, तो सीपीसी की भी देख ले, आईपीसी के भी, सीआरपीसी के भी, और अपने कॉन्ट्रैक्ट के भी 842 टोटल, इतने ये क्वेश्चन हैं जो आपके आ रहे हैं। अब आपको देखना है मेजर पोर्शन कौन कौन से। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, दूसरा आप आईपीसी को, ठीक है, और तीसरा आप दंड प्रक्रिया संहिता को सबसे ज़्यादा पढ़िएगा, दूसरा आप पढ़ने तो आपको सह रही हैं एविडेंस एक्ट को भी, ये मोस्ट मोस्ट आपके हैं जो आपके ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, और यूपी में एक बात बता दूं, आपके जो फैमिली लॉ है हिंदू और मुस्लिम लॉ, उससे एक दो क्वेश्चन प्री में आता है, बाकी वो मेंस में आते हैं। ठीक है, तो ये आप अपना कवरेज कर लीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जेके तैयारी करने वाले स्टूडेंट चाहे वो किसी के स्टेट के हों, मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डेटा और आकलन दिया जाए। ठीक है, तो अब इसको और तरीके से भी देख लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो ये देख लीजिएगा, भारतीय संविधान अधिनियम 15% आया, और आईपीसी हमारी 18% आई। ठीक है, देख लीजिएगा आप यहाँ पर, और संविधान 17%, उसका ही परसेंटेज में मैंने कर दिया है। तो सबसे पहले आप आईपीसी पढ़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आईपीसी, फिर कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, फिर आपको पढ़ना है सबसे ज़्यादा एविडेंस एक्ट, सीपीसी और सीआरपीसी। ठीक है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, और न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िएगा कोई नेशनल न्यूज़पेपर, जिससे आपका करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा कवर होता रहे। ठीक है, करंट अफेयर की वीडियो मैं आपको यहाँ वीकली प्रोवाइड कर दूंगा पूरे डेटा के साथ में, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट फॉर आईक्यू नाम से। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये इसका एड्रेस है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं पीडीएफ वगैरह आपके लिए मैं डालता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, जो यूट्यूब पे नई अपलोड हो पाती हैं, जो वीडियो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक फेसबुक ग्रुप मैंने बनाया है, तो आप टारगेट फेसबुक ग्रुप का नाम है, जब सर्च करेंगे आप, ठीक है, तो टारगेट फॉर UPPCSJ 2018। ठीक है, तो ग्रुप का नाम है अपना, एक बार और बता दे रहा हूँ, फेसबुक ग्रुप का जो हमारा है टारगेट UPPCSJ 2018। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, और वहाँ भी मैं सब चीज़ें आपके यहाँ डालता रहूँगा फेसबुक पे भी, और ये ग्रुप मैंने टेलीग्राम का बता दिया, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पर ज़्यादा रिपीट होते हैं, वे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिपीट होते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अभी तक, 350+ क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं इन 1045 में से, 137 क्वेश्चन आपके जुडिसप्रूडेंस में यानी विधि शास्त्र में। ठीक है, और आईपीसी में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग लगभग 150 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, हर बारी का यही है, बल्कि सॉरी आईपीसी में तो आपके 250+ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अभी तक का, तो आप बिल्कुल जो रिपीट क्वेश्चन है मैं उनकी वीडियो बना के डाल रहा हूँ, और केस लॉ की भी, तो आप लोग चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच में,
और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किसी तरीके की कोई आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन है या जो बिगनर है अभी, तो वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को समझाया जाए, ठीक है। तो जो बिगनर हैं या जिन किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो अपना आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।